तो दोस्तों कल है करवा चौथ और आप देख सकते हो करवा चौथ की धूम पूरी मार्केट में फैली हुई है। दोस्तों मैं तो हैरान रह गई, जो महिलाएं हैं वो इतना क्रेज़ी थी मेहंदी लगाने के लिए, मैं बता नहीं सकती। मैंने तो बहुत थोड़ी सी ही इधर पर वीडियो बनाई थी और पूरे मार्केट में जगह जगह जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं वो बैठे थे। और यहाँ दिल्ली में इतना महंगा है, 2100 रुपये बोथ हैंड एंड बोथ लेग के प्राइस, 1100 रुपीज़ बोथ हैंड के प्राइस। अगर बहुत सिंपल सी लगानी है तो फिर थोड़ा सा और कम। इतने ज़्यादा रेट्स इस टाइम पे मेहंदी आर्टिस्ट ले रहे थे लोगों से कि मैं क्या बताऊँ। और फिर भी लोग लगा रहे थे यार, मैं तो हैरान हो गई। ये तो सिर्फ हमारी जो पास की मार्केट है उसकी बात कर रही हूँ, और जो नियर बाय मार्केट्स हैं सब जगह यही हाल था। मैं एक सर्वे पढ़ रही थी कल, उस सर्वे के मुताबिक पूरे इंडिया भर में, पूरे भारतवर्ष में 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है सिर्फ करवा चौथ के उपलक्ष में। अभी तो दिवाली आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें थी। मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करते करते चलते चलते जा रही थी, तो इसलिए बहुत जगह थोड़ी डिस्टर्बेंस भी आई। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना फ़ोन शेक होता ही होता है, तो प्रॉपर वीडियो बन नहीं पाती वैसे। मिलाकर के दोस्तों बात ऐसी है कि अगर कल करवा चौथ है तो मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है आज, इसकी कोई हद नहीं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या हो गया, जिया की भी तबीयत ऐसी है, तो फिर भी मैं शॉप पे जा रही हूँ, थोड़ा सा काम करना तो ज़रूरी है। तो जी दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो कल है करवा चौथ और ये व्लॉग करवा चौथ कल वाला तो पता नहीं कब आएगा, तो इसीलिए मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को शुभकामनाएँ दे देती हूँ करवा चौथ की। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बस ये देखिए दिया डेकोरेट कर रही हूँ, बहुत सारे कर चुकी हूँ। एक और चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों, वेट, ये देखिए मैंने ये अहोई, अरे ये क्या बोलते हैं दोस्तों, एक मिनट गड़बड़ हो जाती है ना बोलते बोलते। ये देखिए तो ये अहोई अष्टमी के लिए मैंने मटका डेकोरेट किया है, क्योंकि करवा चौथ तो कल है। जितनों ने लेना था मैक्सिमम लोग लेके जा चुके हैं, 8:30 हो रहा है, तो कुछ लोग आएंगे तो ठीक है, अभी है सामान हमारे पास बहुत सारा। और फिलहाल मैं दिए डेकोरेट कर रही थी क्योंकि दिवाली में भी बहुत कम टाइम रह चुका है, तो ये सारा काम कर रही हूँ मैं। और क्या कह रही थी, अभी सोच के बताती हूँ दोस्तों। तो जी दोस्तों मैंने ना लेफ्ट हैंड में फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो मैं इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही। वैसे मैं आपको बता दूँ, रात के 10:30 हो चुके हैं और अभी मैं घर जा रही हूँ। और देखिए आज ना, अगर मैं मार्केट से आती ना ज़रूर आपको दिखाती, ऐसा लगेगा कि दिन है। अभी भी जितने भी पार्लर हैं या जितने भी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं उनके बाहर अभी भी मेहंदी लग रही है, तो बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल होता है इस टाइम पे दिल्ली के अंदर। तो मैं घर जाऊँ, घर पहुँचती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ दोस्तों। कॉपीराइट तो आएगा, लेकिन मेरा बहुत मन किया इस वीडियो क्लिप को ब्लॉग में ऐड करने का। ये हमारी सोसाइटी के ही नियर बाई एक सोसाइटी है डी ब्लॉग में, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं इन लोगों ने मिलकर के एक गरबा नाइट रखी थी और मुझे इतना अच्छा आया। सभी एज ग्रुप की महिलाएं यहाँ पे हैं, न्यूली मैरिड भी और काफ़ी सीनियर भी नज़र आ रही हैं।
तो मैं, मेरी जानकारी में एक हैं कोई, उन्होंने मुझे ये वीडियो क्लिप भेजी थी कि तुम अपने ब्लॉग में एडिट करना, तो मुझे इनका इनकी क्रेजीनेस देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और भी बहुत सारे हैवी वर्ड्स हैं, तो मैं वैसे लड़खड़ा जाऊँगी बोलने में, तो इसीलिए यही शब्द काफ़ी हैं कि ये बहुत उत्साह था इन लोगों के अंदर, तो मुझे क्योंकि पूरा कॉस्ट्यूम उस तरीके से इन्होंने पहना हुआ है सब ने सिमिलर, तो यानी पहले से प्री प्लान किया होगा। मेरे हिसाब से ये जो वीडियो होगा ये तो शायद नवरात्रि की जो आखिरी नवरात्रि होती है उस दिन का है या दशहरे के दिन का है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे कल या परसों में ये वीडियो भेजी थी, तो मैंने सोचा अब जब भेजी है तभी ऐड कर देती हूँ। तो आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो क्लिप बहुत पसंद आई होगी और इन लोगों का डांस बहुत अच्छा लगा होगा। तो जी दोस्तों, रात के बज रहे हैं 1 और अभी तक भी उस दिन मैंने ये डिज़ाइन शायद 3-4 दिन पहले आपको दिखा रही थी, ये बन नहीं पाया और अभी भी मैं इसको कंप्लीट करने में ही लगी हुई हूँ। उम्मीद है कि कल ये पूरा हो जाएगा, बहुत टाइम लग गया। और देखिए अब इनका विंटर्स हैं तो इनका पिंजरा ऐसे ढकना पड़ता है, हराइना सो चुकी है, तो मैं आधे घंटे और जगूंगी फिर सोऊंगी।